राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आरती। स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे चना दाल खिचड़ी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। बिल्कुल पुलाव जैसा टेस्ट आएगा, वो भी सिंपल चावल से। कोई बासमती चावल नहीं है, घर का चावल है, जो भी आपके घर में डेली यूज में खिचड़ी के लिए यूज होता है वही चावल है। एकदम टेस्टी, इसे अचार के साथ, दही के साथ खाइए। देसी घी डाल के तो बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी चावल लिया है, बराबर मात्रा में एक कटोरी चना दाल ली है, एक आलू लिया है, इसे अच्छे से चॉप कर लिया है धोकर, एक प्याज लिया है, इसे भी चॉप कर लिया है। प्याज आप स्किप कर सकते हैं, इसमें जीरे से ही छोंक लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, प्याज से थोड़ा और अच्छा टेस्ट आता है। एक हरी मिर्च ली है, इसे भी चॉप कर लिया है, एक टमाटर लिया है फ्रेंड्स, इसे भी अच्छे से चॉप कर लिया है। चावल और दाल को धो लेंगे। अब एक कुकर लेंगे, कुकर में एक चमचा मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल लेंगे, डालेंगे और जीरा डालेंगे, प्याज डालेंगे। चावल और दाल को मैंने धो लिया, अब इसे थोड़ा देर ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसमें जीरा डालेंगे, प्याज डालेंगे और इसे भूनेंगे। प्याज डालने के बाद जब ये भून जाएगा तो इसमें हम टमाटर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इसमें नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए फ्रेंड्स। सभी मसालों को, टमाटर को अच्छे से भुनने देंगे 2 मिनट के लिए, और गैस का फ्लेम स्लो रखना है फ्रेंड्स। अब इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच के करीब पानी डालकर टमाटर को अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे, और जब ये पक जाएगा तो हम इसमें आलू डालेंगे। आलू पर जब ये मसाला चढ़ जाएगा तो हम इसमें डालेंगे धुले हुए दाल और चावल, जो चना दाल और चावल हमने धोए हैं उन्हें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और एक कटोरी हमने चावल लिया था उसी हिसाब से हम इसमें 2.5 कटोरी पानी लेंगे, और कुकर बंद करके इसमें 1.5 सीटी लगाएंगे, 1 सीटी पूरी और आधी सीटी, 1 सीटी आधी। देखिए फ्रेंड्स, खिचड़ी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मैं ऐसी सिंपल और बिना मसाले की ही रेसिपी लेकर अपने चैनल पर आती हूँ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और देखिए खिचड़ी क्या लाजवाब बनकर तैयार हुई है। कुछ भी हमें बाहर से नहीं लाना है, और बहुत कम मसालों से, बहुत कम बाहर की चीज़ों से मैं खाना बनाना सिखाती हूँ। रेसिपी पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते